नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुहर्रम पर विधि व्यवस्था को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। एसएसपी ने कहा उपद्रवियों की खैर नहीं। पुलिस पर पथराव के बाद जिला प्रशासन हुआ सख्त। डीएम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। तिलकामांझी हटिया रोड में अतिक्रमण के कारण संकीर्ण हुई सड़क। अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम कर रहा है खानापूर्ति। भागलपुर में बनेगा डाकघर का रीजनल कार्यालय। 5,77,00,000 की लागत से होगा निर्माण। और बांका में नहर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात पैकरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती रैपिड एक्शन फोर्स के साथ शनिवार को खुद फ्लैग मार्च में शामिल हुए। एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में कोतवाली थाना परिसर से निकाला गया फ्लैग मार्च ततारपुर चौक होते हुए सीधा मियां साहब के मैदान पहुंचा, जहां एसएसपी ने माइकिंग कर लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि जो लोग सरकारी नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि बीती रात उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एसएसपी ने सोशल मीडिया पर झूठी खबर वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सीडीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है, एवं संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर रैप के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए सराय इमामबाड़ा और शाहजंगी मेला मैदान पहुंचा। मौके पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, यातायात डीएसपी आर के झा समेत इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष और पुलिस के जवान मौजूद रहे। बीच कल विशेष करके कुछ लोगों के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और इसका उल्लंघन किया गया। उन सभी लोगों को चिन्हित करके उन पे FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। और हम लोग यहाँ पे फिर से आए हैं यह मैसेज देने के लिए कि यह जो सरकारी गाइडलाइन है या फिर जो बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड या बिहार सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों की जो कोरोना से बचाया जा सके, तो उसका सभी लोग पालन करें। वहीं कोतवाली थाना से निकाले गए फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। मुहर्रम की 8वीं तारीख पर भागलपुर में पैकरों ने जमकर उपद्रव मचाया था, जिसको लेकर के भागलपुर पुलिस सख्त हो चुकी है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल की टीम जो है तो पहुँच चुकी है, रैपिड एक्शन टीम पहुँच चुकी है, और SSP आशीष भारती समेत जिले भर के वरीय अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का उपद्रव या पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है। कोरोना संक्रमण को लेकर के जो सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश जारी किया गया, उसका अनुपालन कराने के लिए यहाँ के अधिकारी SSP सड़क पर हैं। और साथ ही साथ अभी SSP ने अपील की है, लोगों से अपील की है, पैकरों से अपील की है कि आप COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सामूहिक रूप से एकत्र ना हुए। और हम आपको एक बात बता दें कि बीती रात यहाँ पर कोतवाली थाना के समीप पुलिस के ऊपर में पैकरों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हम सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। इधर नवगछिया में मुहर्रम को लेकर पुलिस जिला नवगछिया की SP स्वप्ना जी मेश्राम के दिशा निर्देश पर नवगछिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नवगछिया थाना से बाजार होते उजानी के रास्ते शहरी क्षेत्र होते हुए थाना चौक तक गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व मुख्यालय DSP असरार अहमद कर रहे थे। मौके पर नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा, रंगरा OP प्रभारी राजेश राम, परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र, कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख पर शुक्रवार की रात पैकरों ने भागलपुर कोतवाली चौक और किलाघाट इमामबाड़ा के समीप जमकर उपद्रव मचाया। इस दौरान पैकरों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ पथराव किया, जिसके बाद पत्थरबाजी की घटना को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP आशीष भारती ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर खुद से माइकिंग की और COVID-19 को लेकर सरकारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। वहीं DM प्रणव कुमार ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी
और शांति समिति के सदस्यों से ऑन स्पॉट मुहर्रम की 9वीं तारीख पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी और SSP ने माइकिंग कर लोगों से इमामबाड़ा पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की। साथ ही कहा कि जो लोग सरकारी नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सराय इमामबाड़ा, शाहजंगी एवं मौलाना चक स्थित मियां साहब मैदान का जायजा लिया और शांति बनाए रखने की बात कही। मौके पर सदर SDO आशीष नारायण, CTSP सुशांत कुमार सरोज, CTDSP राजवंश सिंह समेत कई थाना की पुलिस और समाज सेवी मौजूद थे। को लेकर भी लोगों को सचेत किया गया है और ये अपेक्षा की गई इस तरह किसी भी तरह की भीड़ या जमावड़ा नहीं करेंगे। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण वार्ड संख्या 32 में प्रतिदिन लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। वहीं तिलकामांझी हटिया रोड में अतिक्रमण के कारण सड़क संकीर्ण हो गई है, जिससे राहगीरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जो मरीज इमरजेंसी में डॉक्टर से इलाज कराने हटिया रोड स्थित क्लिनिक में आते हैं उन्हें जाम के कारण बिना दिखाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। दरअसल इस रोड में जाम और अतिक्रमण का मुख्य कारण अवैध वसूली है। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को स्थानीय लोग खुद ही अपने घरों के सामने दुकान लगवाते हैं और प्रत्येक दुकानदार से बट्टी के रूप में मोटी रकम वसूल करते हैं। इतना ही नहीं, शाम में सभी दुकानदार और मकान मालिक सब्जी विक्रेताओं से सस्ती दर पर सब्जी लेते हैं। वहीं जाम और अतिक्रमण के सवाल पर वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह कहते हैं कि स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद भी निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। पार्षद प्रसन्नजीत सिंह ने बताया कि जिस स्थान को निगम प्रशासन ने COVID-19 की रोकथाम के लिए बैरिकेटिंग कर घेर दिया था, उस रास्ते पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। इधर पूरे मामले पर नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि तिलकामांझी हटिया रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती की मांग की गई है। उपनगर आयुक्त ने बताया कि जैसे ही निगम को पुलिस और मजिस्ट्रेट मिल जाएंगे वैसे ही अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। वहीं हटिया रोड में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर जयप्रकाश सिन्हा एवं डॉक्टर PB मिश्रा भी जाम से काफी परेशान हैं। डॉक्टरों ने कहा कि तिलकामांझी हटिया रोड में शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन अतिक्रमण और जाम के कारण समय पर इमरजेंसी पेशेंट एम्बुलेंस से भी क्लिनिक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं तो जब से जीता हूं लगातार मैं इस अतिक्रमण के पीछे पड़ा हुआ हूं कि किसी तरह ये खाली हो जाए। वार्ड वाले सारे जनता परेशान है। हटिया के दिन पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और एक भी गाड़ी नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस में पेशेंट मर जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ पेशेंट नहीं पहुंच पाता है और अगर कोई आदमी किसी डलिया वाले को बोलता है तो लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है, हटाने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जिसके घर के आगे में हटिया लगता है हर घर वाले बट्टी लेते हैं। देखिए, परेशानी तो बहुत है और बहुत दिनों से हम लोग ये परेशानी को झेल रहे हैं। हम लोग तो दूर गम में गाड़ी रख के पैदल चले आते हैं, लेकिन हमारे मरीज़ को जो कि चलने में असमर्थ रहते हैं, बहुत से हड्डी के जो मरीज आते हैं, फ्रैक्चर वाले आते हैं, उनको आने में यहाँ पर इतनी परेशानी होती है। लोग गाड़ी और बाइक अपना नहीं ले आ सकते हैं और कभी कभी लोगों को आने के दरमियान में ही धक्का लगने का संभावना बन जाता है। अतिक्रमण की वजह से मरीजों को परेशानी होती है, हम लोग को भी परेशानी होती है। हम लोग कार यहाँ नहीं ला सकते हैं, कोई एम्बुलेंस यदि आता है तो हम लोग को ये रोड छोड़ के दूसरे रोड में जाके मरीज को देखना पड़ता है। इससे बेहद परेशानी होती है। हमारे मरीज लोग आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है उनको। जो बूढ़े लोग हैं वो बाहर खड़े खड़े फ़ोन करते हैं कि सर आपके क्लिनिक में हम पहुँचे कैसे। अब दिक्कत यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए इनको यदि कहते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ तो बोलता है कि सर रोजी रोटी की बात है, प्लीज सर दया करिए। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में डाकघर के क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण को लेकर शनिवार को डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाक अधीक्षक ने कहा कि 31 अगस्त को प्रधान डाकघर परिसर में पूर्वी क्षेत्र के रीजनल ऑफिस भवन का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार करेंगे। डाक अधीक्षक ने कहा कि प्रधान डाकघर परिसर में खाली पड़े भूखंड पर 5,77,72,000 रुपए की लागत से क्षेत्रीय कार्यालय भवन बनना है, जिसके निर्माण के लिए विभाग द्वारा 2 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक डाक अधीक्षक NK चौधरी, प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार सुमन समेत कई डाककर्मी मौजूद थे। भागलपुर में पूर्वी प्रक्षेत्र का एक कार्यालय खुलने वाला था, बहुत पहले से प्रस्तावित था 2016 से जी
तो अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है, शिलान्यास के लिए माननीय माननीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ऑनलाइन होगा। हमारे माननीय डाक महाध्यक्ष उसमें शिरकत करेंगे। ऑनलाइन लाइव में श्री सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार भी रहेंगे और भागलपुर के वर्तमान सांसद श्री अजय मंडल के द्वारा भी उसी दिन उसका उद्घाटन में अनावरण होगा। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के झारूडी गांव के एक युवक की गड्ढे में डूब जाने से मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु हो जाने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से मृत युवक का शव काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। वहीं जानकारी के अनुसार झारूडी गांव के सत्यनारायण तांती का पुत्र दीपू तांती अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के बाहर बनगावा गांव के पास नहर किनारे नहाने गया था। इसी क्रम में दीपू कुमार तांती पानी में डूब गया। बता दें कि दीपू के पिता कोलकाता में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि नहाने के क्रम में पानी में डूबने से मृत्यु होने की बात सामने आ रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। या सुझाव 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जाँच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएम कॉलेज के पास से बुजुर्ग महिला को बच्चा चोरी कर ले जाते स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर एसएम कॉलेज के पास रहने वाली डॉली कुमारी ने बताया कि वो घर के काम में व्यस्त थी। इसी बीच वृद्ध महिला आंगन में खेल रहे बच्चे को लेकर निकल गई। खोजबीन के बाद आसपास के लोगों ने बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खेल रहा था घर के बगल में, आंगन में खेल रहा था, वो बुढ़िया गली से आई घूम करके, वो बच्चा को ना उठाया, इसी को उठाया था। तब हम बोले कि नूनू, वो बुढ़िया बोले कि तेरा दादी है तो तबाद तो नूनू का, तेरा पापा मम्मी तो तबाद वो गोदी में था, मजार लो छियो। बोले नूनू के देखे बुधो के लो छो, कह छो कि तेरा भाग लेके मजार लो छियो। तब मेरी बहन लाई है पकड़ करके, गोदी से छीन करके लाई है, तब तक मैं देखते हूँ बुढ़िया उधर चल गई है। मद निषेध इकाई अपराध एवं अनुसंधान विभाग पटना की टीम ने शनिवार सुबह ललमटिया नाथनगर की पुलिस के सहयोग से टावर लोकेशन के आधार पर मोहनपुर गांव निवासी शराब कारोबारी राजेश कुमार के घर छापेमारी कर 45 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार दीपक नाम के युवक ने पुलिस को पूछताछ के दौरान शराब कारोबारी राजेश का नाम बताया था, जिसके बाद पुलिस ने राजेश के घर छापेमारी कर शराब बरामद किया। वहीं मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि कुल 45 बोतल विदेशी शराब के साथ मोहनपुर निवासी शराब कारोबारी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। संदेह के आधार पर एक और युवक से पूछताछ की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल जहां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं बिहार की राजनीति में विकल्प के रूप में अपनी जमीन तलाशते हुए प्लुरल्स पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। शनिवार को भागलपुर के एक होटल में प्लुरल्स पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महासचिव अनुपम कुमार ने बिहार विधानसभा 2020 में पार्टी द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि पार्टी की सीएम कैंडिडेट एवं प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर रोजगार और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की अगली मुख्यमंत्री होगी। इस दौरान प्रेस सचिव मुकेश कुमार, भागलपुर जिला प्रभारी अमित आलोक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मजबूत कैडर तैयार किया गया है और पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं मानती है और जनता से मिलने के बाद या भागलपुर जैसे जिलों की जनता के साथ गांव में मिलने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो प्लुरल्स पार्टी इस साल सरकार बनाएगी। जगदीशपुर प्रखंड के सभी किसान सलाहकार ने काली पट्टी बांधकर सरकार और विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया एवं मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसान सलाहकारों ने पिछले 10 वर्षों से कृषि विभाग और अन्य विभागों के सभी कार्यों को निष्ठापूर्वक किया है। जब तक उचित मानदेय देने की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक किसान सलाहकार कृषि विभाग के सभी तकनीकी कार्यों से खुद को अलग रखेंगे। मौके पर रेवती रंजन, कुणाल किशोर, जितेंद्र प्रसाद रजक, राजेश कुमार सहित कई किसान सलाहकार मौजूद थे। मतलब काम करते हुए सरकार का तकनीकी कार्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन काम भी कर रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जो काम करते हैं विगत 10 साल से, तो हम लोग को एक क्या कहते हैं इसको प्रगतिशील किसान मान के काम करवा रहा है और बाकी तकनीकी सारा काम हम लोगों से करवाता है। हम लोग का कहना यही है कि अगर हम लोग से तकनीकी कार्य करवाते हैं तो तकनीकी कार्य का दर्जा दे दीजिए हम लोग को। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच परिपेटी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की गई। पीरपैंती दक्षिणी मंडल अध्यक्ष निशांत पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कार्यकर्ताओं से 1 सितंबर से महाजनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्याशी नहीं कार्यकर्ता लड़ता है, चुनाव में जीत कार्यकर्ताओं की होती है। वर्चुअल बैठक को जिला प्रभारी रामानंद चौधरी, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व विधायक अमन कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया और सरकार से NH80 की वर्तमान स्थिति से छुटकारा दिलाने की मांग की। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी अपना देश की रक्षा करते हुए, अपने सारे देशवासी का हित को ध्यान में रखते हुए, देश का जो जरूरी कार्य था वो चल रहा था, लेकिन चुनाव भी लोकतंत्र में एक बड़ी पद्धति है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है तो ये रैली वर्चुअल हो रही थी।
बांका जिला अंतर्गत अमरपुर आनंद मार्ग के समीप शुक्रवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज भागलपुर में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार संजय चौधरी, राजकुमार एवं बादल बाइक पर सवार होकर भागलपुर की ओर से मखदुमा जा रहे थे। इसी दौरान आनंद मार्ग के समीप सड़क किनारे चल रहे वनवर्षा निवासी बंटी मांझी एवं उसके 4 वर्षीय पुत्र शुभम को बाइक चालक संजय चौधरी ने धक्का मार दिया। घटना में मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई जबकि 5 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटना हुई। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। इंटरमीडिएट नामांकन के दौरान स्लाइडिंग की सुविधा में फीस का पेंच फंसता ही जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को भागलपुर के मड़वाली पाठशाला में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने बताया कि इंटरमीडिएट नामांकन लेने के बाद स्लाइडिंग कर जब छात्र किसी दूसरे कॉलेज में नामांकन लेते हैं तो उनसे मनमाना फीस लिया जाता है। वहीं मड़वाली पाठशाला में आए छात्र ने बताया कि स्कूल प्रबंधन मनमाने ढंग से 1085 रुपए की मांग कर रहा है। साथ ही यह भी कहा कि मीडिया कर्मियों को देखते ही स्कूल के कर्मियों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद प्राचार्य नवल किशोर राय ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार टोकन मनी की जिम्मेवारी पाठशाला प्रबंधन की नहीं होगी। जब मरवाए थे ना तो यहाँ मतलब पैसा मांग रहा था। जब हम 11 बजे स्कूल आए तो उस टाइम से पैसा मांग रहा था स्लाइड अप का। जब हम सिल्क टीवी को फोन किए तो बोल रहे थे स्कूल वाले के प्रिंसिपल नहीं होगा, नहीं लेंगे पैसा, लेंगे हम 1085 रुपया पैसा लेंगे, ऐसे काम नहीं होगा। तो जैसे सिल्क टीवी यहाँ पे आया फिर वहाँ से बोल रहे थे क्या हेड ऑफिस से एक कागज आ गया है, अब पैसा नहीं लिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में यह निर्देश दिया गया है कि टोकन फीस लेकर के स्लाइड अप किए हुए लड़कों का नामांकन लें तथा मूल रसीद जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा दी जाए, जिसको कि उस मूल विद्यालय से वो पैसा नामांकित विद्यालय को वापस किया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम पर विधि व्यवस्था को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च, एसएसपी ने कहा उपद्रवियों की खैर नहीं। पुलिस पर पथराव के बाद जिला प्रशासन हुआ सख्त, डीएम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। तिलकामांझी हटिया रोड में अतिक्रमण के कारण संकीर्ण हुई सड़क, अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम कर रहा है खानापूर्ति। भागलपुर में बनेगा डाकघर का रीजनल कार्यालय, 5,77,00,000 की लागत से होगा निर्माण। और बांका में नहर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।